रागिनी एमएमएस के बारे में तो आपने सुना होगा, जिस पर एकता कपूर ने फिल्म भी बनाई थी। आज फिर से एक एमएमएस पर काफी बवाल हो रहा है। मामला जुड़ा है पंजाब के मोहाली से, जहां चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की छात्राओं का आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ था। जी हां, सही सुना आपने, छात्राओं का एमएमएस कांड, जिसके बाद पूरे पंजाब में छात्र छात्राएं सड़कों पर उतर आए। सरकार ने इस पूरे मामले पर सख्त एक्शन लिया। एक और जहां आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है, तो वहीं महिला अफसरों की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है, जो इस मामले की जांच करेगी। दरअसल यूनिवर्सिटी में शुक्रवार शनिवार की रात छात्र छात्राओं ने उस वक्त आंदोलन शुरू कर दिया, जब ये बात सामने आई कि कुछ युवतियों के आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो रहे हैं। स्टूडेंट्स के नीचे से पांव तले जमीन तब खिसक गई, जब उन्हें ये पता चला कि ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के बीच ही एक छात्रा है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि अभी तक सिर्फ एक ही वीडियो सामने आया है, जो आरोपी का ही है। चलिए इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ आपको बताते हैं। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एमएमएस बनाने का आरोप, एक छात्रा पर लगा आरोप, 5 से 6 लड़कियों का बाथरूम में नहाते वक्त वीडियो बनाने का आरोप। वीडियो छात्रा ने अपने कथित बॉयफ्रेंड को भेजा। 17 से 18 सितंबर को मुद्दा उठा। 18 सितंबर सीएम भगवंत मान ने जाँच के आदेश दिए। पुलिस ने आरोपी छात्रा को गिरफ्तार किया। केस की जांच के लिए एसआईटी बनी, इसमें 3 मेंबर्स हैं और वे सभी महिलाएं हैं। रातों रात हॉस्टल के सारे वार्डन बदल दिए गए। 2 वार्डन को सस्पेंड भी किया गया है। आरोपी छात्रा के 2 साथियों सनी मेहता और अंकज वर्मा को गिरफ्तार किया गया। स्टूडेंट्स को 19 से 24 सितंबर तक पढ़ाई बंद होने का नोटिस भी दिया गया है। हिमाचल प्रदेश से 23 साल के एक युवक को गिरफ्तार किया, जो छात्रा का बॉयफ्रेंड है। वहीं हिमाचल पुलिस ने 31 साल के एक और व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने भी उन खबरों को झूठी और निराधार बताकर खारिज कर दिया, जिनमें दावा किया गया था कि विश्वविद्यालय के हॉस्टल में कई छात्राओं के वीडियो बनाए गए और सोशल मीडिया पर डाले गए हैं, और कई छात्रों ने इस प्रकरण के बाद खुदकुशी की कोशिश की है। इसके साथ ही छात्र छात्राओं ने 18 सितंबर की शाम को फिर से प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय के अधिकारियों पर घटना को दबाने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की मौजूदगी में हमें न्याय चाहिए जैसे नारे लगाए। वहीं मोहाली के एसएसपी विवेकशील सोनी ने बताया कि लड़की को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उसका मोबाइल फोन भी लिया गया। लड़की ने जो वीडियो अपने बॉयफ्रेंड को भेजा, वो उसका खुद का है। दूसरी लड़कियों के वीडियो नहीं आए हैं। जब वो वीडियोस भेज रही थी, तब हॉस्टल की दूसरी लड़कियों ने उसे देख लिया। आरोपी लड़की और उसका बॉयफ्रेंड लंबे समय से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है। एसएसपी ने कहा कि महिला वार्डन ने गलती से कह दिया था कि दूसरी लड़कियों की इज्जत का ख्याल रखना था। आरोपी लड़की ने किसी दूसरी लड़की का वीडियो बनाया ही नहीं है। हालांकि तीनों को रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री मान ने ट्वीट किया और उन्होंने क्या लिखा वो भी आपको बताते हैं। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में सुनकर दुखी हुआ। हमारी बेटियां हमारा सम्मान है। मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने आगे कहा, मैं प्रशासन के संपर्क में हूँ। इसके साथ ही मान ने लोगों से अफवाहों पर गौर नहीं करने की अपील की है। इस घटना को लेकर राजनीतिक दलों की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रियाएं आई और केंद्र राज्य महिला अधिकार न्यायिकों ने भी दखल दिया है। बता दें कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हॉस्टल की लड़कियों को इंटरनेशनल नंबर से कॉल की गई थी। लगभग 2 मिनट 8 सेकंड की इस फोन कॉल में फोन करने वाला धमका रहा है, कह रहा है कि तुम्हारी भी वीडियो बनी हुई है, वायरल कर दी जाएगी, जिसके बाद सभी छात्राएं डर गई। अब इस पूरे मामले में एक सवाल ये भी है कि जो अभिभावक अपनी बेटियों को कोसों दूर पढ़ने के लिए भेजते हैं, क्या वो विश्वास कर पाएंगे कि आगे इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आएगा, कोई घटना सामने नहीं आएगी। कुछ तो ऐसे हैं जो इस घटना के बाद अपनी बेटियों की पढ़ाई ही बंद करवा दें, लेकिन क्या ये सही होगा? नहीं। जरूरत है तो कड़ाई से इस मामले पर एक्शन लेने की, क्योंकि जो तस्वीर आज सामने आ रही है छात्रों के पलायन की, वो तस्वीरें भविष्य में ना दिखाई दें। वो भरोसा एक बार फिर से यूनिवर्सिटी को दिलाना ही होगा।